नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो तरह के मोहितो की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम वर्जन मोहितो बनाएंगे। वर्जन का मतलब यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर इसे बिना अल्कोहल के बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जो हमारा ट्रेडिशनल मोहितो है ये, और इसी के साथ हम बनाएंगे वाटरमेलन मोहितो। दोनों बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर हैं, ज़रूर से आप इसे एक बार घर पर ट्राई कीजिए, और इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। पर मोहितो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लास का इस तरीके का जार ले लिया है। आप कोई भी ग्लास भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप इसे सर्व करना चाहें। इसमें हम डालेंगे यहाँ पर नींबू। तो नींबू मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में करके ले लिया है, 4 से 5 पीसेस आप डाल दें। थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो नींबू होगा ना, हल्का सा ग्रीन वाला यूज करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसका मोहितो में। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे चीनी। चीनी के साथ ही हम जस्ट 1 पिंच के जितना यहाँ पर सॉल्ट डाल देंगे, यानी कि नमक। और अब इसमें हमें काफ़ी सारा यहाँ पर पुदीना डालना है। तो पुदीने को आप अच्छे से पहले वॉश कर लें पानी से, और यहाँ पर इसमें हम 10 से 12 पुदीने के पत्ते डाल देंगे। अब इसे हमें हल्का सा क्रश करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ, इस तरीके का मोटर पेस्टल जो हम सभी के घर पे होता है, ये इजीली अवेलेबल होता है, इससे हम करेंगे। बार टेंडर या फिर रेस्टोरेंट में जब वो लोग इस तरीके से मोहितो को बनाते हैं, तो वो लोग तो मडलर का यूज़ करते हैं, लेकिन हम सबके घर पे वो ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। इस तरीके का जो मोटर पेस्टल है वो हर किसी के घर पे अवेलेबल होता है। आपके पास अगर वुडन वाला है तो वुडन वाला भी आप ले सकते हैं। हल्का सा हम इसे क्रश कर लेंगे यहाँ पर, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो जाए। बस हल्का सा ही करना है हमें इसे क्रश। और अब इसमें हम काफ़ी सारी बर्फ़ डाल देंगे। आप चाहें तो क्रश करके भी यहाँ पर बर्फ़ को डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। अच्छे से इसमें काफ़ी सारी हमें आइस क्यूब्स डालनी है इस तरीके से। और अब आती है बारी इसमें हम जो ड्रिंक यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्प्राइट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल जो सोडा होता है, क्लब सोडा, उसका भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से जो मिलती है। पर यहाँ पर सबसे जो बढ़िया फ्लेवर देता है वो स्प्राइट ही देता है इसमें। तो मैं यहाँ पे स्प्राइट का यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम फिर अब यहाँ पर स्प्राइट डाल देंगे इस तरीके से। अच्छे से मैंने इसमें स्प्राइट डाल दी है, और अच्छे से थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। और 1 से 2 हम इसमें लेमन वेजेस डाल देंगे, और यहाँ पर इसे पुदीने के पत्ते से हम यहाँ पर गार्निश कर लेंगे। साइड में हम एक यहाँ पर लेमन वेजेस को इस तरीके से लगा लेंगे, बिल्कुल जैसे हमें रेस्टोरेंट या फिर बाहर हमें जैसे मिलता है, बिल्कुल वैसा हमारा ये बहुत ही बढ़िया और एकदम टेस्टी सा ट्रेडिशनल तरीके से बनकर वर्जन मोहितो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही बढ़िया लगता है, ज़रूर एक बार आप इसे घर पर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब बना लेते हैं वाटरमेलन मोहितो। वाटरमेलन मोहितो बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे कुछ इस तरीके से लेमन छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए, 4 से 5। 1 बड़ा चम्मच चीनी डाल देंगे, और जस्ट 1 पिंच के जितना हम इसमें नमक डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश पुदीना। तो यहाँ पे 10 से 12 पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। और अब हम इसमें वाटरमेलन डालेंगे। तो वाटरमेलन मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाला है। ध्यान रखें जो उसके बीज होंगे यानी कि सीड्स, आप निकाल कर ही वाटरमेलन को यहाँ पर यूज़ करें। तो लगभग आधी कटोरी के जितने मैंने वाटरमेलन के पीसेस डाल दिए हैं। अब हम इसे भी सेम तरीके से हल्का सा इस तरीके से क्रश कर लेंगे, और इसके बाद हम इसमें काफ़ी सारी बर्फ़ यानी कि आइस क्यूब डाल देंगे। तो बर्फ़ आप थोड़ा सा इसमें अच्छे से डालिए। तो मैंने इसमें बर्फ़ डाल दी है, और अब हम इसमें डालेंगे स्प्राइट। तो यहाँ पर मैं इसमें स्प्राइट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर इसमें लेमन वेजेस डाल देंगे, और साइड में एक लेमन वेजेस अच्छे से लगा कर इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे दोनों बहुत ही बढ़िया, रिफ्रेशिंग और बहुत ही टेस्टी से मोहितो बनकर तैयार हैं। ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल बाहर जैसे हमें मिलता है, बिल्कुल वैसा ये घर पर बनकर तैयार हो जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की रेसिपी आपको ये कैसी लगी, और ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिए। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन होगा छोटू सा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।